नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन जोशी, एमडी आयुर्वेद। मैं दैनिक भास्कर जीवन मंत्र की कि उन्होंने एक ऐसे अपने इंटरनेट पर एक ऐसे वर्जन को प्रारंभ करने का प्रयास किया जिसमें लोगों को आयुर्वेद योग से संबंधित जानकारी अधिक से अधिक लाइव प्रस्तुत किया सके। इसी क्रम में जड़ी बूटियों और उनके प्रयोग की जानकारी देने का मैं आपको प्रयास करूंगा। और आज इस संदर्भ में हम आपके सामने एक ऐसे ही औषधीय पौधे को लेकर आए हैं जिसका नाम अनार। हिमालयी क्षेत्र यूं तो औषधीय पौधों से भरा पड़ा है, लेकिन आज हम एक सामान्य रूप से मिलने वाले औषधीय पौधे के बारे में आपको जानकारी देंगे। इसका नाम अनार है और इसे लैटिन में प्यूनिका ग्रैनसम के नाम से जाना जाता है। अनार बहुत ही ज्यादा सामान्य रूप से प्रयोग होने वाला फल है और इसके पौधे 10 से 15 फीट के होते हैं। इसमें फूल हल्की पिंक कलर या हम इसे लालिमा लिए होती है और पत्तियों को देखें तो पत्तियों का आकार आयताकार होता है। पत्तियों का औषधीय प्रयोग बहुतायत से किया जाता है। इसकी पत्तियों के का स्वरस त्वचा रोगों में बेहतरीन औषधि के रूप में प्रयोग में आता है। पत्तियों को सुखाकर चूर्ण बनाकर और साथ में अन्य कृमिहर औषधियों के साथ प्रयोग करने पर कृमि रोगों की श्रेष्ठ औषधि के रूप में रखा जाता है। इसके फल को यदि हम देखें, इसमें अभी नए आए हैं, इसके फल का प्रयोग भी औषधि के रूप में किया जाता है। पांडु एवं रक्तालपता के लिए इससे श्रेष्ठ औषधि नहीं है। इसके पत्तों का चूर्ण बनाकर और इसे तिल के तेल के साथ मिलाकर यदि दांतों में लगाया जाए तो दांत की किसी भी दर्द में इससे लाभ मिलता है। पत्तों का स्वरस निकालकर यदि तिल के तेल के साथ मिलाकर यदि सिर में लगाया जाए तो यह खालित्य अर्थात बालों के उड़ने और पालित्य अर्थात बालों के पकने की श्रेष्ठ औषधि है। यदि इसके जड़ों को देख, ये जड़ों का प्रयोग कृमि के लिए श्रेष्ठ कृमिहर औषधि के रूप में किया जाता है। जड़ों को यव कूट कर चूर्ण बनाकर पलाश के बीज के चूर्ण के साथ या वायुवेडंग के चूर्ण के साथ प्रयोग में 1.5 से 3 ग्राम की मात्रा में उम्र के अनुसार यदि प्रयोग कराया जाए तो यह कृमि रोगों के लिए वर्म इन्फेस्टेशन के लिए बेहतरीन औषधि है। इसके अलावा इसके पत्तियों के अनेक प्रयोग हैं। इसके पत्तियों का स्वरस निकालकर यदि इसे सरसों के तेल या केवल तिल के तेल के साथ मिलाकर इसे हल्का सा धीमी आंच पर गर्म कर यदि इसे निकालकर किसी कंटेनर में रख दिया जाए और इसे कान में 1 से 2 बूंद की मात्रा में लगाया जाए तो यह कर्ण रोगों के लिए, कर्णशूल के लिए श्रेष्ठ औषधि।